पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव का निधन हो गया। असम में उनका निधन हुआ। 83 साल के ये कांग्रेस नेता थे। यूपी में भारी उद्योग मंत्री थे संतोष मोहन। 7 बार सांसद रह चुके थे संतोष मोहन देव। तो निधन हो गया 83 साल की उम्र में। आखिरी सांस ली 7 बार सांसद रहे हैं, एक कद्दावर चेहरा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री संतोष मोहन देव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, संतोष मोहन देव 7 बार सांसद रह चुके हैं और 83 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन का निधन। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री संतोष मोहन देव का निधन हो गया 83 साल की उम्र में। इनका निधन हुआ यूपीए की गवर्नमेंट में, भारी उद्योग मंत्री उस वक्त थे। तो असम में इनका निधन हुआ है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव का निधन हो गया और इनको किडनी संबंधी बीमारी थी, परेशानियां थी, इसकी वजह से असम के उनके गृहनगर सिलचर में उनका निधन हुआ। वो 83 साल के थे। तो कांग्रेस के सदस्य देव पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में भारी उद्योग मंत्री थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, क्या अस्पताल में भर्ती थे या फिर उनका निधन घर पर हुआ है, क्या बीमार थे? देखिए, संतोष मोहन देव, उनका निधन हो गया है और कांग्रेस के बड़े, एक कांग्रेस की जब सरकार थी तो बड़े मंत्री रहे और 7 बार सांसद रहे और चूंकि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और 83 वर्ष उनके हो गए थे और अपने घर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है और इसकी जानकारी आई कि सुबह उन्होंने ये अंतिम सांस ली। कह सकते हैं कि कांग्रेस को, पार्टी को और देश को एक भारी क्षति हुई है और काफी नॉर्थ ईस्ट के से रिप्रेजेंट करते थे और काफी मतलब अहमियत पार्टी में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य दलों के लोगों के साथ जो उनका संबंध था, हमेशा ही उनका दोस्ताना संबंध रहा। सारे दलों के जो नेता हैं उनके साथ उनके संबंध अच्छे रहे और काफी प्रयास रहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ अलग से करें और जब भारी उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से काफी नॉर्थ ईस्ट को जो संभावनाएं हो सकती थी वो वहां पहुंचाई, उसके विकास में काफी योगदान दिया। तो कह सकते हैं कि जब आज उनका निधन हुआ है तो खास तौर पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि देश को एक क्षति हुई है। जी बिल्कुल, एक बड़ी क्षति हुई है। यहाँ पर एक वैक्यूम यहाँ पर पैदा हुआ उनके निधन के बाद। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है तो वो रिक्तता, वो जो वैक्यूम हुआ है उनके जाने के बाद, उसको भर पाना, उसकी भरपाई जो है थोड़ी मुश्किल यहाँ पर मनीष नजर आती है। मनीष जी, जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो ये संतोष मोहन देव जी का निधन हुआ है ये भारी एक क्षति है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंट, हालांकि काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मनीष आपके पास लौटते हैं, मीम अफजल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। मीम अफजल जी, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर इनके निधन को देख रहे हैं आप? देखिए, तो जाहिर है कि भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा नाम था जी और आसाम में तो खास तौर पर उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम रहा है और कांग्रेस से उनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी थी जी और हमेशा उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। काफी दिनों से मुझे लगता है वो बीमार थे क्योंकि काफी दिनों से मैंने उनके बारे में कुछ सुना नहीं था जी। मैं समझता हूँ इस घड़ी में हम लोग उनके तमाम बच्चों से, उनकी जो भी अहल वयाल हैं उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं और उनके लिए यही दुआ करते हैं कि उनको रेस्ट मिले जी। और जो क्षति हुई है उसका नुकसान तो कोई भरपाई कभी किसी की नहीं कर पाता, बिल्कुल, लेकिन उनको हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, किस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, जब आपकी कभी बातचीत हुआ करती थी किसी जमाने में तो किस तरीके का व्यक्तित्व उनका रहा करता था, लोगों से किस तरीके का? सीनियर लीडर थे, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था तो बहुत सीनियर लीडर थे जी। कभी कभार हम लोग, ये तो नहीं कहना चाहिए कोई इनसे डिस्कशन होता था, कोई बातचीत होती थी लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे ढंग से रखने की आदत थी उनकी जी। और मुश्किल से मुश्किल वक्त के अंदर उनके चेहरे पर कभी मैंने शिकन नहीं देखी जी। ये उनकी एक खास मिजाज था कि अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सियासी दबाव है किसी वक्त तो उस मौके पर भी वो अपने आप को बिल्कुल काम एंड क्वाइट रखते थे
और बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मंत्री संतोष मोहन देव का निधन हो गया, एक बड़ी क्षति। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 83 साल की उम्र में निधन हुआ है यहां पर संतोष मोहन देव, एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस के किसी जमाने में और एक कद्दावर छवि उनकी थी, और कभी किसी भी परिस्थिति में उनको निराश होते हुए नहीं देखा गया।